यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं। अच्छी तरह से छील के इसे इस तरह से काट लीजिए और कट करने के बाद इसे पानी में डुबो के रखें ताकि इसका जो कलर है वो काला नहीं होगा। अगर आप पानी में डिप करके नहीं रखेंगे तो आलू का कलर जो है काला हो जाएगा और सब्ज़ी का टेस्ट फिर अच्छा नहीं आएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पानी गर्म कर लिया है, तो पानी बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। कम आँच करके ध्यान से पानी में आलू डाल दीजिए, पानी के छींटे आपके ऊपर ना आए ध्यान रखें क्योंकि पानी बहुत ही गर्म है। अच्छी तरह से इसे चम्मच से मिला दीजिए और 50% हम इसे बॉईल करेंगे। तो मैं थोड़ी देर बाद इसे चेक कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे टूथपिक से चेक कर रही हूँ, आप नाइफ से या फिर फोक से भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बॉईल हो गया है, जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और सबसे पहले इसका जो पानी है वो अलग कर दीजिए। आप इसे छलनी में छान लीजिए, उसी पानी में आलू को ना छोड़ें, ऐसा करने से आलू जो है ओवर कुक हो जाएंगे। तो हमें 50% ही इसे बॉईल करना है, तो इसीलिए जैसे ही 50% बॉईल होंगे आप इसे छलनी में निकाल दें, पानी इसका अलग कर दें। उसके साथ यहाँ पर ले सकते हैं कढ़ाई या फिर पैन ले लीजिए, साथ ही ले लीजिए 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सरसों, उसी के साथ यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ले लें, हल्दी पाउडर ले लीजिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आपके स्वाद के अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मसालों को मिला दीजिए। उसके बाद हम आलू डाल देंगे, उसी के साथ डाल देंगे 1/2 चम्मच रेड चिली सॉस, 1/2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, साथ ही 1 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है शेजवान चटनी, उसी के साथ स्वाद अनुसार डाल दीजिए नमक, 1 चम्मच लेंगे कसूरी मेथी या फिर बारीक कटा हरा धनिया भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और बस हमारे आलू बनके बिल्कुल तैयार हैं। थोड़ी सी अलग सब्ज़ी है, टेस्ट काफ़ी अलग है, बहुत ही टेस्टी है, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। मुझे कीजिए कमेंट, साथ ही अपने सारे दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें मेरे वीडियो को। साथ ही लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें, आपके सपोर्ट से यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेशन मिलती है ताकि हम नए नए वीडियोस बना सकें और अपलोड कर सकें, आपको नई नई रेसिपीज़ मिल सकें। तो सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।